रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आपको बता दें, रुद्रप्रयाग में जहां पर नरकोटा में निर्माणाधीन पुल की सेटरिंग गिरी है और इस हादसे में कुछ मजदूरों के दबे होने की खबर फिलहाल सामने आ रही है। हादसे में 4 मजदूरों के घायल होने की खबर है, जबकि अभी भी कुछ मजदूर ऐसे हैं जो कि मलबे में दबे हुए हैं। रुद्रप्रयाग से ये बड़ी खबर है, नरकोटा में जहां पर निर्माणाधीन पुल की सेटरिंग गिरी है और कुछ मजदूरों के दबे होने की सूचना अभी भी है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू अभियान में जुट चुकी है। रुद्रप्रयाग से ये बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं, जहां पर लगातार हो रही बारिश के चलते ही एक निर्माणाधीन पुल की सेटरिंग गिरी है। नरकोटा में इस पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा था जिसकी सेटरिंग गिरी है और इसमें कुछ मजदूरों के फंसे होने की सूचना है। 4 मजदूरों के घायल होने की खबर भी फिलहाल इस वक्त सामने आ रही है। एसडीआरएफ की टीम, स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, लगातार रेस्क्यू अभियान वहां पर किया जा रहा है। और क्योंकि पूरे उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, इस वजह से बारिश की वजह से भी रेस्क्यू अभियान में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल रेस्क्यू अभियान में एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। नरकोटा में ये निर्माणाधीन पुल बनाया जा रहा था जिसकी सेटरिंग गिरी है और हादसे में 4 मजदूरों के घायल होने की खबर भी है, कुछ मजदूरों के दबे होने की सूचना भी फिलहाल रुद्रप्रयाग से सामने आ रही है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से ये पुल जिसका निर्माण यहाँ पर किया जा रहा था, ये पुल गिर गया, इसकी जो सेटरिंग थी वो गिर गई है, एक हिस्सा इसका गिरा है और इसमें कुछ मजदूरों के दबे होने की खबर भी है। पूरे उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, इस वजह से ही कुछ जिलों में स्कूलों में भी छुट्टियाँ घोषित कर दी गई हैं और कई जगहों पर सड़कें भी बाधित हुई हैं। लगातार बारिश कई जिलों में चल रही है, बारिश का दौर जारी है और इस बारिश की वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें भी देखने को मिल रही हैं। चारधाम यात्रा मार्ग की अगर बात करें तो चारधाम यात्रा मार्ग में भी लगातार कुछ जगहों पर सड़कें बाधित हुई हैं, लेकिन उनको खोल दिया गया। हालांकि अभी तक जो ये रेस्क्यू अभियान चल रहा है, इसमें जो जानकारियाँ मिल पा रही हैं, अभी तक इसमें जो मजदूर हैं, करीब 6 मजदूरों के घायल होने की खबर है और कुछ मजदूर इसमें अभी भी दबे हुए हैं। तो रेस्क्यू का काम एसडीआरएफ की टीम यहां पर कर रही है और ये जो पुल है नरकोटा के पास ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा था जिसकी सेटरिंग गिरी है और इस सेटरिंग के गिरने से इसमें कुछ मजदूर दब गए जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान वहां पर लगातार किया जा रहा है। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है किस तरह से ये जो निर्माणाधीन पुल था ये यहां पर गिरा है और नरकोटा में ये हादसा हुआ है, कुछ मजदूर मलबे में दबे हुए हैं। रुद्रप्रयाग से ये खबर है, बुधवार सुबह ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा के पास यह हादसा हुआ है और रेस्क्यू का काम यहां पर जारी है। इसके अलावा बात करें, कई जगहों पर पहाड़ों पर भूस्खलन की खबरें भी सामने आई हैं, नदियां भी कई जगहों पर उफान पर हैं और मौसम विभाग ने सभी से सावधान रहने की अपील भी की है।